हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग मेनिया। एज यू ऑल नो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 के एग्जाम्स 12 एंड 13 सितंबर को सेफली कंडक्ट कराए जा चुके हैं। इस सेशन में हम उन जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जो भी आगे आने वाली नोटिफिकेशंस हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो देखिए, मेरा जो पेपर था वो 13 सितंबर को फिफ्थ शिफ्ट में था, मींस 4:30 का जो टाइम था उस पर मेरा वो पेपर हुआ था, जिसमें 4:30 रिपोर्टिंग टाइम था। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैंने टोटल अटेम्प्ट्स किए हैं 62 आउट ऑफ 80 में से मैंने 62 अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें से मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट करे हैं 35 एंड क्वांट में मैंने अटेम्प्ट करे हैं 27। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स थे और क्वांट में क्या क्या टॉपिक्स थे। फर्स्ट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है, इस बार का जो पैटर्न था उसमें आपको न्यू इंटरफेस देखने को मिला था। मींस आरआरबी क्या है, आपको रीजनल लैंग्वेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने हिंदी अपना चूज करा था लैंग्वेज, उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस दिख रहे थे। और जो भी बच्चे जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज, जैसे जो गुजरात से पेपर दे रहे, उन्होंने अगर गुजराती लैंग्वेज चूज की थी तो उनको ओनली गुजराती में ही क्वेश्चंस दिख रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ था, क्योंकि अगर आपको एक ही स्क्रीन पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अगर क्वेश्चंस दिखते हैं तो आपको स्क्रॉलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर 2019 में आईबीपीएस आरआरबी का पीओ का अगर मेंस का पेपर दिया था तो उनको ये चीज़ न्यू नहीं लगी होगी। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2019 में भी उन्होंने यही इंटरफेस चेंज किया था मेंस के पेपर में। ठीक है, और जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने ये एग्ज़ाम अभी फर्स्ट टाइम दिया है तो उनके लिए ये चीज़ न्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन सिलॉग पर मिले थे। सिलॉग में भी क्या था, ओनली फ्यू पर बेस्ड थे, ओनली के नहीं थे। जो पहले शिफ्ट थी उसमें ओनली फ्यू और ओनली, ये दोनों मिक्स आए थे, बट फिफ्थ शिफ्ट में ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट थे, ओनली पर बेस्ड, मतलब दोनों मिक्स, एक भी क्वेश्चन नहीं था, सारे जो क्वेश्चन थे वो ओनली फ्यू पर बेस्ड ही आए थे। 5 क्वेश्चन आए थे आपके सिलॉग के, 5 ही क्वेश्चन आपके आए थे इनइक्वलिटीज के, जिसमें आपको ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, ये था, मीन्स नॉट इक्वल्स टू का एक भी क्वेश्चन वहां पर पूछा नहीं गया था। ये 3 जो साइन होते हैं इन पर बेस्ड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आप देखते ही टिक कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। मतलब एक तो 1 स्टेटमेंट का भी था और 3 to 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो 2 स्टेटमेंट पर बेस्ड थे। ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चंस तो यहाँ से इजीली थे जो आप बना सकते थे। नेक्स्ट जो आया था आपका, वो आया था ब्लड रिलेशन का, वो भी बहुत ही ईजी था, 2 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से, इजी क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के भी। नेक्स्ट जो था ऑर्डर एंड रैंकिंग के, 3 क्वेश्चन थे ऑर्डर एंड रैंकिंग के, मैं तीनों क्वेश्चन आपको बताती हूँ कैसे पूछे गए थे। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, एक आपको वर्ड दिया हुआ था क्रिएशन, ठीक है, इसमें आपको बोला था कि जो वर्ड है उनमें आपको लेटर्स को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अगर इसको अरेंज करेंगे तो आएगा ए सी ई आई एन ओ आर टी। ठीक है, फिर आपको बोला था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको प्लस वन करना है। जैसे ए है उसमें प्लस वन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, बी, सी में प्लस वन करोगे तो डी, ई में एफ, ऐसे ही आप जब सब में प्लस वन कर दोगे, उसके बाद में आपसे पूछा गया था राइट साइड से फोर्थ लेटर क्या होगा, मीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको अगर आप प्लस वन करोगे तो क्या आएगा, पी आपका, तो जो पी था वो आपका यहाँ पर राइट आंसर था। फर्स्ट तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन था वो मैं आपको बताती हूँ, सेकंड क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से आपसे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, क्रिएशन वर्ड दे रखा था, ठीक है, और आपसे ऐसे पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, आपको एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें आप में से थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ लेटर, 4 लेटर पिक करने थे, जिससे एक वर्ड बन रहा था लोन।
ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि इससे एक लेटर, एक वर्ड बनेगा, मोर देन वन वर्ड बन रहे हैं या कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा गया था। थर्ड जो क्वेश्चन था वो था, आपको एक नंबर दे रखे थे 1, 4, 3, 2, 8, 7। इसमें आपको कह रखा था कि इसमें आपको पिक करने हैं ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग में भी सेम रहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, इसमें क्या है, ये जो नॉर्मल अपनी काउंटिंग होती है वैसे ही आ रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऐसे ही 7 और 8, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में से आपको देखना था। तो एक क्वेश्चन आपका ये था, मीन्स ऑर्डर एंड रैंकिंग के आपके तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, वो तीनों मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका था पजल। पजल आपके 4 क्वेश्चंस थे, 5-5 के सेट में पूछे गए थे, मीन्स 4 पजल्स पूछी गई थी। कौन कौन सी पूछी गई थी वो हम आगे डिस्कस। फर्स्ट पजल जो थी वो आपकी थी स्क्वायर बेस थी, जिसमें एज पर और कॉर्नर पर 8 पीपल की सिटिंग थी, जिसमें से कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे थे और जो एज पर सिटिंग थी उनकी वो इनसाइड देख रहे थे। बहुत ही ईजी पजल थी, अगर आपने ऐसी पजल पहले सॉल्व कर रखी होगी तो आपने इजीली वहां पर बना ली होगी। सेकेंड जो पजल थी आपकी वो थी 10 पर्संस थे, 10 पर्संस की सिटिंग थी, मंथ्स दे रखे थे और 2 डेट्स दे रखी थी, ठीक है। ये वाली पजल भी अगर आपने सॉल्व कर रखी होती पहले से तो आप इजीली वहां पर बना सकते थे, बहुत ही इजी पजल आई थी, ठीक है। थर्ड जो पजल थी उसमें भी 10 पर्संस थे, उनको क्या था स्टैक में बिठा रखा था, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रखा था जैसे पी और ए है, उसमें 7 पर्संस की सिटिंग है, इससे पी के ऊपर कुछ पर्संस है या ए के नीचे कुछ पर्संस है, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उससे आपको वो पजल बनानी थी। तीन तो ये पजल हो गई। फोर्थ जो पजल थी वो आपकी थी 2 वेरिएबल पजल थी, जिसमें आपको कुछ लेटर्स दे रखे थे जैसे पी क्यू आर एस टी, अब उसके साथ में एक और वेरिएबल दे रखा था। ये वाली पजल मैंने सॉल्व नहीं करी थी, इसलिए एक्चुअली मुझे पूरी याद नहीं कि इस पजल में क्या था। रीजनिंग में देखिए मैंने 5 सिलॉक के क्वेश्चंस करे थे, 5 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन करे, 2 ब्लड रिलेशन का करा था, ऑर्डर एंड रैंकिंग कंप्लीट करा था। पजल में जो 4 पजल आई थी उसमें से मैंने 3 पजल बनाई थी, जो लास्ट वाली पजल थी 2 वेरिएबल वाली वो मैंने रीड भी नहीं करी थी, मतलब मैंने थोड़ा सा देखा था कि क्या है उस पजल में, बट उसको मैंने सॉल्व नहीं करा था। पजल मैंने 3 ही अटेम्प्ट करी थी, टोटल मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट थे 35, ठीक है। अब हम क्वांट की तरफ चलते हैं कि क्वांट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए क्वांट में 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। अप्रोक्सीमेशन में भी क्या था, आपको बहुत इजी था, आपको नंबर्स दे दिए थे जैसे 624.99 दे दिया था, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देके ऐसा √624.99, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे 625 लिख दोगे और क्या होता है इसका आंसर 25। ऐसे ही आपको 19.99 का आपको स्क्वायर निकालना, तो मतलब पॉइंट्स में वैल्यू दे रखी थी, फिर आपको उसका अप्रोक्स करके आंसर निकालना था। बहुत इजी था अप्रोक्सीमेशन भी, टफ नहीं था, ठीक है। आगे थी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पर भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसको मेरे को एग्जैक्ट सीरीज तो याद नहीं है, बट उसके कुछ पैटर्न्स है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ यहाँ पर। एक पैटर्न तो था जैसे मल्टीप्लीकेशन बाय 1+2, मल्टीप्लाई 2+3, मल्टीप्लाई बाय 3+4, ऐसे या सीरीज चल रही थी आगे, ये उसका पैटर्न था, ठीक है। एक पैटर्न ऐसा था मल्टीप्लाई बाय 1+1, मल्टीप्लाई बाय 2+2, मल्टीप्लाई बाय 3+3, एक ये पैटर्न था, ठीक है। 2 सीरीज के क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसमें आपको डिफरेंस निकालना था और डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है, ठीक है। एक सीरीज जो थी उसमें से डिफरेंस जो आ रहा था वो आ रहा था 8, 10, 12, 14, 16, ये डिफरेंस आया था एक में। और एक सीरीज थी उसमें ऐसा आ रहा था, लास्ट से मैंने निकाला था तो आया था 10, 20, 40, 60, 80 था, मतलब डबल हो रहा था 60 एंड 160, ठीक है। मस्ट जस्ट आपको इसका डबल करना था, ये उसकी सीरीज थी। और एक सीरीज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 0.5 की कुछ सीरीज थी, या तो 0.5 का मल्टीप्लीकेशन था और फिर सब्ट्रैक्शन या एडिशन था, ये आपकी 5 सीरीज वहां पर आई थी, ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, रॉन्ग सीरीज के मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। अब नेक्स्ट था डी आई 2 सेट्स में आई थी, 5 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्या था। एक जो था वो पाई चार्ट पर बेस्ड थी, उसमें आपको कुछ परसेंटेज दिए हुए थे सारे,
और टोटल वैल्यू दी हुई थी 1050 समथिंग कुछ वैल्यू थी उसमें आपको. अब इस पर एवरेज पूछा था, डिफरेंस पूछा था या मंथ दे रखे थे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो इसमें आपका फरवरी और अप्रैल का डिफरेंस पूछा था, कभी इन तीनों का एवरेज पूछा था और सेंट्रल एंगल पूछा गया था. ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे इस डीआई में. सेकंड जो हमारी डीआई थी उसमें आपको क्या था, टोटल पर्संस दिए हुए थे यहाँ पर और मैन और वुमेन का रेशियो दिया हुआ था. ठीक है, आपको यहाँ पर टोटल पर्सन जैसे 200 दिए हुए हैं और मैन और वुमेन का रेशियो 4:6 दिया हुआ था. अब आपको उसको डिवाइड देके मेंस की वैल्यू निकालनी थी, वुमेन्स की, और कुछ पूछा था कि एवरेज ऑफ वुमेन बताओ इन इन स्टेट में या एवरेज ऑफ मैन बताओ. ये था, मतलब दोनों डीआई बहुत ही इजी थी आपको. अब आगे जो था वो हमारा था कैसलेट डीआई. कैसलेट डीआई भी कैसलेट नहीं बोल सकते, मतलब वो बहुत ईजी डीआई थी देखा जाए तो. उसमें क्या था, आपको हॉस्टल्स दे रखे थे, हॉस्टल ए, बी एंड सी. ठीक है, टोटल नंबर्स जो स्टूडेंट्स थे वो आपको 600 वहां पर डिनोट कर रखा था पहले से. फिर आपको ए की कुछ वैल्यूज दे रखी थी बॉयज एंड गर्ल्स की, बी की बॉयज एंड गर्ल्स की कुछ वैल्यूज दे रखी थी और ऐसे ही सी की बॉयज एंड गर्ल्स की कुछ वैल्यूज दे रखी थी. उससे आपको इस जो ये डीआई थी उसको सॉल्व करना था और 5 क्वेश्चंस थे वो आपको निकालने थे. ठीक है, ये डीआई भी बहुत ही ईजी थी, मैंने लास्ट में सॉल्व करी थी इसलिए मैं इसके 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी. बाकी आगे मैंने अर्थमेटिक सॉल्व करा था. अर्थमेटिक भी बहुत ईजी था, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी तो आप अर्थमेटिक भी वहां पर बना पा रहे होंगे. बाकी डीआई तो बहुत ही ईजी डीआई आई थी, मैंने 3 डीआई थी उसमें से 2 डीआई पूरी बना ली थी, थर्ड जो ये डीआई थी उसमें मेरे 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए थे. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अर्थमेटिक पर. अर्थमेटिक में हमने क्या क्या चीज़ देखी वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. अर्थमेटिक में हमने मैंने क्वेश्चंस जो थे बनाए थे वो एक तो क्वेश्चन था, सॉरी एक क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, एक एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन था, परसेंटेज पर था, प्रॉफिट एंड लॉस का था और एक मेंस्युरेशन का था. ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने इस पे बनाए थे. सॉरी 5 क्वेश्चंस मैंने अर्थमेटिक के बनाए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और एक मिक्सचर और एलिगेशन का भी था. ठीक है, ये क्वेश्चंस थे, मतलब ये ओवरऑल था कि क्वांट में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और रीजनिंग में क्या क्या. तो क्वांट में मैंने 5 अप्रॉक्सीमेशन करे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज करी थी, 2 डीआई पूरी बना ली थी. कैसलेट में मैंने 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई थी क्योंकि मैंने लास्ट में सॉल्व करी थी तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे मेरे. और अर्थमेटिक में मैंने 4 to 5 कुछ क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट करे थे वहाँ पर मैंने. ठीक है, ये था ओवरऑल आज का सेशन. और जो कट ऑफ है अब वो अभी सारे सेक्शंस में जब मर्ज अप होंगे तब आपको कट ऑफ के बारे में पता लगेगा कि क्या कट ऑफ, क्योंकि कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, स्लॉट ऐसे थे जिसमें कुछ टफ क्वेश्चंस आए थे तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा. लास्ट ईयर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस साल भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा. तो अभी हम कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते. एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो मे बी 47 से लेके 52 के बीच में रह सकती है. एज अ रिव्यू जो 12th और 13th सितंबर को जो पेपर हुए हैं उसको देखते हुए 47 से लेके 52 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है. ठीक है, सो ये आज का हमारा सेशन था. थैंक यू. और जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए जिससे आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे. और आप अपनी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रखिए. अब आगे IBPS PO का पेपर आने वाला है तो उसके लिए कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहिए. टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.